नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आम आदमी के सपने की, यानी मिडिल क्लास के सपने की, उसके सपने के आसियाने की। अपने सपने को पूरा करने के लिए मध्य वर्ग दिन रात मेहनत कर पैसे जमा करता है, फिर अपना आशियाना बुक कराता है और फिर इंतजार करता है कि कब बिल्डर उसे आशियाना देगा या ना उसके पोजिशन देगा। ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत मुझे मिले हैं, खासतौर पर जिन्हें बिल्डर ने बिना किसी दौड़ भाग के समय पर फ्लैट का पोजीशन दे दिया हो। आज हम बात करेंगे उन हजारों लाखों वैसे अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी आसियाने पर खर्च करने वाले वैसे लोगों की जिनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज हम वो भी बात करेंगे कि सरकार इस सपने को पूरे करने की कोशिश में जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल लाने की कोशिश कर रही है उसमें क्या है और उस बिल से जनता को कितना फायदा होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी नोएडा से नोएडा की विधायक बिमला बाथम जी और उसके अलावा निफोवा के जो प्रेसिडेंट है, फाउंडर मेंबर हैं इंद्रेश कुमार जी, वो जुड़ेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वंदे मातरम। रियल एस्टेट बिल पर राहुल के बोल। रियल एस्टेट बिल पर राहुल गांधी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। संशोधित एस्टेट बिल को बताया ग्राहकों के खिलाफ, बताया नए और पुराने बिल में फर्क। सवाल राज्यसभा में कैसे पास होगा मोदी सरकार का संशोधित एस्टेट बिल। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें आपको पूरा मामला दूध का दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है, तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किसानों और युवाओं के मसले पर मोदी सरकार को घेरने के बाद अब मध्यम वर्ग से जुड़े मसले पर सरकार को चुनौती पेश करने में जुटे हैं। दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली एनसीआर के नाराज होम बायर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और एनडीए सरकार के रियल एस्टेट के संशोधित विधेयक को मध्यम वर्ग के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार की मुहिम के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात कही। राहुल इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकते हैं। राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की कम संख्या को देखते हुए इस बिल को पास कराना इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी सरकार कितने विपक्षी दलों को इसके लिए राजी कर पाती है। चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, 14 पार्टीज तो लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ सब लोग राष्ट्रपति को मिले थे और जिस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी को छोड़कर इकट्ठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस रियल एस्टेट बिल का भी उसी तरह से विरोध करेंगे। दरअसल विदेश से आने के बाद राहुल गांधी लगातार मध्यम वर्ग के साथ खड़े दिखने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक के बाद समान सोच वाले दलों के कई नेताओं के साथ संपर्क कर इस बात का फैसला किया है कि इस बिल को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। कांग्रेस एनडीए सरकार के रियल एस्टेट के संशोधित विधेयक के खिलाफ जनता परिवार के दलों तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, डीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई जैसे कई विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए नुकसानदेह और बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने वाला है। कुमार मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो जो बिल था वो प्रो बायर था, उसे प्रो बिल्डर बना दिया गया, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। बात हम चर्चा की शुरुआत करेंगे बिमला बाथम जी जो कि विधायक है यहाँ नोएडा की, और नोएडा से जुड़ा हुआ मामला है। बाथम जी, आपसे पहला सवाल, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे थे कि ये प्रो बायर्स था पहले, अब उसे प्रो बिल्डर्स बना दिया गया, यानी एनडीए ने जो ये संशोधित बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आज स्टेबल नहीं हो पाया वो, लेकिन जो कोशिश की जा रही है बिल में जो प्रावधान है वो बायर्स के खिलाफ जा रहे हैं, सीधा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अगर जिसने ठीक से इस बिल को देखा हो, उसकी भाषा पढ़ी हो,
वो बिल्कुल नहीं ये कह सकता है कि एक प्रो बिल्डर है। और एक सरकार कभी मुट्ठी भर लोगों का साथ दे नहीं सकती। बिल्डर थोड़े हैं, निवेशक बहुत ज्यादा हैं, और वाकई निवेशक का दर्द है। नहीं, मैं आपको गिनवाता हूं कैसे ये प्रो बिल्डर हो गया। जैसे पहले जो प्रावधान, जो यूपीए की सरकार में जो प्रावधान था 2012 के बिल में, उसमें ये दिया गया था कि जितना भी पैसा आप लेते हैं बायर से, उसका 70% जो है आप उसी के प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे, 30% आप दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च कर सकते हैं। एनडीए की सरकार, जो आपकी सरकार जो बिल ला रही है, उसमें 70 से घटा के 50% कर रही है, यानी 50% पैसा लेंगे हम आपसे, लेकिन उसको दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो यहाँ जो है वो बिल्डर के पक्ष में आपका ये जाता है। दूसरी बात जो उसने, जो सबसे अहम बात है, उसने कारपेट एरिया की बात करी है, आप रेंटेड एरिया की बात करो उसमें भी फर्क है। और तीसरी जो सबसे अहम बात यहां पे ये है कि इस बिल्डर जो बिल का प्रोजेक्ट है उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट जो प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी शामिल किया है बीजेपी ने। पहले वो उसमें केवल जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट थे वो शामिल किया गया, हालांकि ये प्रो बायर्स ही है, क्योंकि जो रेसिडेंस, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो भी बायर्स की है। तो इसमें आपको मैं छूट दे सकता हूं, लेकिन पहले जो दो प्रावधान है उस प्रावधान को देख करके लगता है कि ये जो है बिल्डर्स के पक्ष में ज्यादा जाता है बिल। नहीं देखिए, जो आपने 50% के बाद के, पहले 70% था और 70 और 30 का रेशो था। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्डर को फायदा होने वाला, निवेशक को। मेन बात क्या है, हमारा एक इशू क्या है, कोर इशू ये है कि बिल्डर जो है वो पैसा लेते हैं निवेशक से और एक टाइम लिमिट देते हैं कि इस टाइम लिमिट तक आपको मकान मिल जाएगा, और वो टाइम लिमिट 2 साल 1 साल 3 साल पार हो जाती है, लेकिन उसको निवेशक को नहीं मिलता। निवेशक की समस्या ये है कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, नौकरी पेशा है, वो एक तो अपनी किस्तें भरता है बैंक से, जो लोन लेके उसने बिल्डर को दिया, और दूसरी तरफ वो किराए के मकान देके किराया देता है, तो दोहरी मार उसके ऊपर पड़ती है। ये तो बिल्कुल सही कह रही है आप बाथम जी, ये तो सही है, ये तो सभी के साथ है। लेकिन जो बिल की यदि हम बात कर रहे हैं, तो बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि बायर के पक्ष में नहीं है। एक जो प्रावधान आपने और किया कि इसमें संख्या और किसने, कितने, कौन सा बिल्डर कितने फ्लैट बेच चुका है और किन किन को बेच चुका है, ये चीज पहले बताने की बाध्यता थी जो यूपीए ने जो बिल बनाया था उसमें, लेकिन उसको आपने इसमें समाप्त कर दिया। ये बिल्डर के खुशी पे है, जो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, जैसे मैंडेटरी था वो मैंडेटरी आपने हटा दिया, तो ये भी लगता है कि बिल्डर के ही पक्ष में। वैसे मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि दोनों के बिल में क्या खास अंतर, आप एक बार पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। जिस प्रोजेक्ट का पैसा है उसी में लगाया जाए, जैसा कि बताया जो 50% ही पहले लगा सकते हैं। मंजूरी के बाद ग्राहकों की राय से बदलाव हो सकता है एनडीए में। अब ग्राहकों से सुरक्षा के लिए जो है इसमें प्रावधान नहीं है। यूपी में सभी समझौता के लिए कुल मंजूरी थी, लेकिन इसमें सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल की मंजूरी है एनडीए वाले में। क्लियरेंस में देरी पर बिल्डर को एक्सटेंशन पाने का अधिकार एनडीए में किया गया है, बल्कि किसी भी देरी के लिए बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया गया था यूपीए में। यह भी खास तौर पे जो है बिल्डर के पक्ष में दिया गया। बिल्डर बायर समझौते पर चुप्पी, दोनों ने चुप्पी साध ली। बिल्डर बायर के समझौते पर दोनों ही पार्टियां जो है, दोनों ही सरकारें जो है चुप है, इस पर कुछ नहीं बोल रही है। पुराने प्रोजेक्ट्स भी बिल के दायरे में, जो एनडीए ने, ये चीज अच्छी की कह सकते हैं। यूपीए में नए प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया है। रिहायशी कमर्शियल दोनों ही प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं एनडीए के बिल में, जबकि महज रिहायशी प्रोजेक्ट्स ही शामिल थे यूपीए में। रियल एस्टेट के रेगुलेटर्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में नौकरी कर सकते हैं, इसमें बिल्डर्स को भी फायदा मिलेगा, लेकिन यूपीए के बिल में रियल एस्टेट के रेगुलेटर्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में नौकरी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, तो ये जो खास तौर पे जो दो तीन बातें बाथम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और इंद्रेश जी से भी मैं जानना चाहूंगा। इंद्रेश जी, आप भी राहुल गांधी से मिलकर के आए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर के, और जिस तरीके से बायर्स की जो समस्या है, बायर्स की समस्या को लेकर के आप जो है मिले थे राहुल गांधी से, आपको क्या लगता है जो बाथम जी जो कह रही है या एनडीए के बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं वो बिल्डर्स के प्रो बिल्डर्स हैं या प्रो बायर्स हैं, आपको क्या लगता है? लेकिन ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो अभी एनडीए का जो बिल आया है, बीजेपी का जो बिल आया है, ये प्रो बिल्डर है। पहले का जो बिल था वो ज्यादा फेवर में था बायर के, जैसे आपने पॉइंट बता ही दिया है। इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इसमें माइनर अल्टरेशन जो है वो
वो पहले अलाउड नहीं थी, अब माइनर अल्ट्रेशन विद बायर के कंसेंट के बिना भी अलाउड है, सिर्फ उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है। बिल्कुल, बायर की जो प्रॉब्लम ये है, हमारे के जो मेन हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमने 2008 2009 से फ्लैट बुक करा रखे हैं और 2015 आ गया है, हमारे को प्रोजेक्ट हमारे जो है बहुत डिले हो रहे हैं और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी हम बिल्डर से बात करते हैं वो कहता है कि कोर्ट में चले जाओ, हम किसी भी चीज़ की जो कंप्लेन है अगर हम एफआईआर के लिए भी जाते हैं तो वो एफआईआर नहीं होती, हम लोग अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट की लंबा जो लड़ाई है 10 साल 15 साल है। हमारे को एक ऐसा रेगुलेटर चाहिए जिसके यहाँ पर हम डायरेक्ट कंप्लेन करें और उसकी एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर में सुनवाई हो। बिल्कुल, तो कम से कम सरकार जो ये जो रेगुलेटरी बिल जो ला रही है इसके जरिए लोगों को ये फायदा होगा कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो हमारी डिमांड है वो इसके ऊपर तो कोई भी पूरी नहीं हो रही ना। बिल्कुल, ये तो बाद की बात है, जो आप कोर्ट में जा रहे हैं कोर्ट में देरी हो रही है और जैसा कि कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, जैसे सेबी है, सेबी के अंदर आप कंप्लेन करते हैं तो उसका 2 महीने के अंदर 1 महीने में उसका सोल्यूशन निकलता है, ऐसा कुछ होने चाहिए। कोर्ट कोई रास्ता नहीं है, ये तो आप मान लें, कोर्ट में जाने 10 साल और परेशान होगा वो तो निवेशक बात है। और सबसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात को देना है, निवेशक सबसे ज्यादा परेशान इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। बिल्कुल, जो खरीदार है, जो रियल खरीदार है वो मिडिल क्लास है। जी, मिडिल क्लास है, जो इकॉनमी है, कहते हैं रिसेशन में जा रही है, इकॉनमी रिसेशन में जा रही है, लेकिन रिसेशन में जाने का एक रीजन ये भी है कि जो यहाँ पर है जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनकी सरकार सुन रही है, उसके दूसरी तरफ जो है जो फाइनेंस है बैंक है वो भी उनको लोन दे रहे हैं, लेकिन जो बायर है जो फ्लैट को अल्टीमेटली खरीदता है उसके साइड में कोई बात नहीं सुन रहा। अगर बायर को तंग करके रखेंगे तो बायर फ्लैट खरीदेगा ही क्यों, नहीं खरीदेगा तो रिसेशन से बाहर निकलेंगे ही कैसे। तो बातम जी आपसे सवाल है, क्या आपने कही ये बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि बिल्डर जो है आज वाकई बदनामी के कगार पे हैं। अब हमारे नोएडा में लोग निवेश नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई बहुत यहाँ पंगे हैं और हमें पता नहीं हमें कब मिले ना मिले फ्लैट, इतनी ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी। मेरी कई बिल्डरों से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि आप अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, कम से कम बायर को टाइम से दीजिए, जो भी निवेशक है आपका तो आपका अगला प्रोजेक्ट अपने आप लाइन पे आ जाएगा। और एक तो बिल्डर हैं यहाँ जो कर रहे हैं इस बात को और उनका वाकई प्रोजेक्ट आज वो महंगा बेच रहे हैं फिर भी लोग उधर जा रहे हैं क्योंकि वो टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत वो दे रहे हैं। तो जो ये जो बिल्डर ऐसा कर रहे हैं, जो भी 4 से 10 बिल्डर हैं वो खुद अपने लिए एक आगे का गड्ढा खोद रहे हैं। बिजनेस वाली बात है, अगर आप बिजनेस में अपने आप जो वादा करते हैं और वो वादा अगर पूरा करता है तो डेफिनेटली जो है आप ज्यादा माल बेच पाएंगे अपना, ये भी तो बिल्कुल बिजनेस की मतलब कहें जो मूल चीज तो यही है। और अक्सर जो लोग हैं जो मिडिल क्लास जो फंसता है, जो बिल्डर्स होते हैं उनके तिलिस्म में वो जिस तरीके का एडवर्टाइज करते हैं, जब आप खरीदने जाओ तब जो बात करते हैं बिल्डर और जब आप जाकर के इंक्वायरी करने जाते हो, दोनों की भाषा जो है बिल्कुल इतनी अलग अलग हो जाती है जो उसके बाद बायर्स को लगता है कि मैं तो फंस गया, बिल्कुल लाखों रुपये फंसा करके अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी जो है मकान में लगाया और लगाने के बाद फंस गया। इंद्रेश जी आपसे ये सवाल है, आपको क्या लगता है, आप लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के नेताओं से भी आप इससे पहले मिलते रहे, आपको क्या लगता है समाधान जो है इसका, पॉलिटिकल जो राजनीति है राजनीतिक रूप से ही इसका समाधान हो सकता है? देखिए, हम राहुल गांधी के पास जो आप गए थे, आपको क्या लगता है राहुल गांधी सही में इस मुद्दे को उठा करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो प्रो बायर बिल को चेंज करे, सेलेक्ट कमेटी के पास जाए, उसके प्रावधान को चेंज करे और बायर के हित में जो है ये बिल ले आए, क्या आप इस उम्मीद से गए थे वहां? देखिए, हम लोगों को भी पता है कि सेंटर में भी बीजेपी है और यहाँ के जो एमएलए है और एमपी दोनों ही बीजेपी के हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कोशिश की थी महेश शर्मा जी से मिलने की, हम लोगों ने सेंटर में भी लेटर प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखा था, वेंकैया नायडू जी को भी लिखा था और सभी को लिखा था, लेकिन हमारे को कभी भी किसी लेटर का कभी रिप्लाई नहीं आया। जब वो अपोजिशन में थे तब तो हमारे को नेक्स्ट डे ही मीटिंग का टाइम मिलता था, अभी हमारे को कोई टाइम नहीं। बिल्कुल, तो ये बात तो सही है, जब नेता सरकार में नहीं होते तो उनसे आप आराम से मिल सकते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद जो है मुश्किल होती है। हमारे साथ राजीव त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राजीव त्यागी जी, वंदे मातरम में स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव जी, आपसे पहला सवाल है। हमारे साथ इंद्रेश जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बायर्स एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर हैं, वो आपके नेता राहुल गांधी से भी मिलकर के आए थे और जो हमारे साथ नोएडा की जो एमएलए हैं यहाँ पे बिमला बाथम जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जिस तरीके से इस बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है, आप लोग इसको आने नहीं देना चाह रहे हैं, यदि आप सही में बायर्स के हित की बात करते हैं तो इस बिल को रोक क्यों रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के इंद्रेश जी ने जो एक व्यवस्था शुरू की है वो बधाई के पात्र हैं,
निश्चित रूप से कंज्यूमर के अपने एक राइट होते हैं और कंज्यूमर फोरम हमारे देश में बना हुआ है। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो बिल हम बना करके गए थे उस बिल में 118 प्रावधान क्यों चेंज किए जा रहे हैं और किसके दबाव में चेंज किए जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बिल्डर्स के हाथ में खेल रहे हैं? चिंता का विषय है। मैं चार बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला बिंदु तो ये है कि हमारे बिल्डर जो आपको दिखाता था, बिल्डर जो आपको नक्शा देता था उसको वो चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन नए बिल में अगर संशोधन हो जाता है तो निश्चित रूप से वो आपके फ्लैट को चेंज कर सकता है, माइनर ऑल्ट्रेशन के नाम पे पूरे फ्लैट को ही चेंज कर सकता है। दूसरा विषय ये है कि जब आप कोई चीज लेते हैं, मैं कोई आपसे कोई चीज डिलीवर कराना चाहूंगा तो मैं उसके एवज में जब पेमेंट देता हूं तो ये कहता हूं भैया मुझे समय बता दीजिए कितने समय पे आप मेरे को चीज देंगे। तो अब वो समय वाली सीमा जो है, नए बिल आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी का तो वो समय की सीमा भी खत्म हो जाएगी। पहले बिल्डर समय की सीमा से बंधा हुआ समय सीमा खत्म नहीं, एक्सटेंशन मिल सकता है, एक्सटेंशन देने की बात कर रही है। नहीं, इसमें सिर्फ यही है कि एक्सटेंशन एक्सटेंशन के नाम पर बहुत बड़ा शोषण कंज्यूमर्स का हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा शोषण कंज्यूमर्स का हो सकता है। और तीसरी बात यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिल्डर ने यदि एक प्रोजेक्ट के लिए 1,00,000 रुपए इकट्ठे किए हैं तो हमारे बिल में ये प्रावधान था कि 70,000 रुपए या 70 रुपए वो उसी प्रोजेक्ट में लगाएगा। नए बिल में ये प्रावधान है कि वो 50% पैसा कहीं और ले आ सकता है। तो इससे निश्चित रूप से आप डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाएंगे, बेहतर चीज नहीं दे पाएंगे, जिससे कि लोगों को दिक्कत होगी। तो निश्चित रूप से ये बिल में जो चेंज किए जा रहे हैं, 118 चेंज जो किए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से उद्योगपतियों का चंदा या तो बोल रहा है, बिल्डर का चंदा या तो बोल रहा है, जिसकी वजह से उस चंदे के एवज में मुझे लगता है सारी चीजें मोदी सरकार कर देना चाहती है। नहीं मानती, बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। ये चंदे से कभी ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं, सरकारें चलती हैं, ये तो आप सब जानते हैं। और हमारी सरकार के तो मंत्री का कामकाज देखिए और उनकी जो जो उनके काम करने का ढंग है और जिस तरह पारदर्शिता से वो लोग काम कर रहे हैं, ये शायद पहली बार हो रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद। एक मंत्री पर भी अगर उंगली उठा के देख ले हमारे कांग्रेस के भाई कि उस मंत्री ने ऐसा किया है या किसी बिल्डर के संबंध है, या जबकि इनके शासन में तो हर बिल्डर से इन लोग संबंध रहा करते थे। अभी चंद दिन की बात है, चंद दिन पहले इनकी सरकार थी। तो ये तो एक कहीं, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट इनका है जो मैं बिल्कुल इससे नहीं करती। मैं इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें टॉपिक रखना चाहिए कि हमारे निवेशक किस तरह सेफ हो। बिल्कुल, आप मतलब आप निवेशक सेफ रहे इसके लिए आप बायर्स के खिलाफ भी जाएंगी, मतलब बिल में जो प्रावधान है आपने। बिल्कुल जी, तो मतलब आप निवेशक की तरफ जाती क्या कहेंगे इंद्रेश जी? हम लोगों को, मैंने पहले भी रिपीट किया था, हम लोगों को जो फ्लैट है वो दो दो तीन तीन चार चार साल डिले हो रहा है। हमारे को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल चाहिए जो बिल्डर 4 साल तक 5 साल तक डिले कर रहा है, उसको नेक्स्ट जो वो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है उसको लॉन्चिंग का ही परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि वो बिल्डर को वहीं पर ही रोक दें। अगर वो चार प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, चार प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद में भी। राजीव जी बताएं। मेरा सवाल इंद्रेश जी से है जो कंज्यूमर है, कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत कार्य कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी बिल में जो मोदी सरकार बदलाव कर देना चाहती है उसके विरोध कर रही तो क्या बुरा कार्य कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आज बायस के साथ खड़े हुए हैं तो क्या गलत कार्य कर रही है? और क्या मोदी जी के आने के बाद बायस के अच्छे दिन आ गए? ये प्रश्न है मेरा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैं उठाना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उस पर जवाब देंगी, कोई भी और व्यवस्था करने से पहले, कानून बनाने से पहले कोई भी बिल सेलेक्ट कमेटी को या स्थायी समिति को पार्लियामेंट की भेजा जाता है। मोदी सरकार ऑर्डिनेंस के नाम पर क्यों प्रजातांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर देना चाहती है, संवैधानिक व्यवस्था को क्यों ध्वस्त कर देना चाहती है? यह एक चिंता का विषय है। इस प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? दूसरी बात यह है, क्या इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या स्थायी समिति के पास नहीं भेजा जाना चाहिए?
क्या प्रजातंत्र इसी तरह से चलेगा कि एक व्यक्ति की सनक के आधार पे पूरा देश उस सनक पे चलेगा? ऐसा प्रजातंत्र नहीं चलेगा। प्रजातंत्र चलाने के लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट नियम बना सकती है, एक व्यक्ति नियम नहीं बना सकता। उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले तो एक बेहतर व्यवस्था होगी। हो सकता है इस संवाद से हम लोग बात डिबेट का पहुंचना अब तो जा रहा है बिल्कुल, तो ये तो अब टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन ये ऑर्डिनेंस पहले भी कांग्रेस सरकार में भी हमारे आते रहे और पास होते राहुल गांधी जी के दबाव के बाद ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया तो मोदी सरकार की व्यवस्था को नहीं मान रहे थे। बिल्कुल आप लोगों की बात भी सुनेंगे। हमारे पास कुछ सांसद हैं, उनकी भी उन्होंने भी अपनी बात रखी है इस मुद्दे पे, उनको सुनते हैं एक बार। डोरेक साहब क्या कह रहे हैं? सी ऑन द रियल एस्टेट बिल अ फ्यू डेज अगो All the opposition parties in the Rajya Sabha were united, are united, and we made it absolutely clear that this bill should go to a select committee. Couple of good amendments, but couple of not so good amendments which needed some serious consideration. So it was decided 5 days ago to send it to a select committee. But I'm quite amused that today and yesterday, one person has been trying to hog the limelight when it comes to this real estate bill. हमने जो बिल रखा था उसको छुपा कर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कार्पेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए, तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार ऐसा बिल कैसे ला सकती है कि कारपेट एरिया क्या होता है। दीवारों को छोड़कर जितना भी अंदर हो वो कारपेट एरिया होता है, जिसमें लोग रहते हैं। इन्होंने कहा वो नहीं होगा, अब रेंटेबल जो होगा खाली वही कारपेट एरिया होगा। रियल एस्टेट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसके जो रेगुलेटर्स थे वो कभी उस प्रोजेक्ट में या किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में वो नौकरी नहीं कर सकते थे। अब वो नौकरी कर सकते हैं। उसका मतलब है कि कल तक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का चीफ है या उसके जो मुलाजम है वो उनकी मदद करेंगे और अगले साल रिटायर होकर उसी में नौकरी करेंगे। कि युवराज जो है वो फालतू की फुसफुसी फुलझड़ी बजा रहे हैं और फालतू की फुसफुसी फुलझड़ी से उन्हें किसी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जो रियल इस्टेट बिल है ये शुद्ध रूप से कंज्यूमर फ्रेंडली है। जो बिल्डर हैं, जो जमीन माफिया हैं उनके खिलाफ है। उन पर जो एक्सप्लाइटेशन का वो आम लोगों का और कंज्यूमर्स का काम करते हैं उन पर अंकुश लगाने वाला है। ये बात सही है कि कुछ बिल्डरों को ये सूट नहीं करेगा और खासतौर से जो बहुत करीब हैं कांग्रेस पार्टी के, जो हो सकता है जीजा जी के जिगरी हो, उनको ये सूट नहीं करेगा। बिल्कुल, तो सभी पार्टियों के क्या बयान थे, क्या उनका कहना था इस पे, सभी पार्टियों के सांसदों की बात हमने कही, काफी बारीकी से बता रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब की कारपेट एरिया क्या होता है और किस तरीके से बिल के प्रावधानों को चेंज किया गया है और इसे प्रो बिल्डर बनाया गया है। जबकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल बिल्डरों के खिलाफ है और इशारा कर रहे थे वाड्रा के प्रोजेक्ट के ऊपर, डीएलएफ के ऊपर इशारा कर रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी राजीव जी, जिस तरीके से अभी गुलाम नबी आजाद बता रहे थे और जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी अभी बता रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट, जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं कि ये प्रो बायर बिल्डर है, नकवी साहब कह रहे हैं कि ये प्रो बायर्स है और ये आप लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके जो डीएलएफ वाले लोग हैं, जो डीएलएफ के प्रोजेक्ट में शामिल है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यदि मैं आपसे कोई पैसा लेता हूं किसी चीज के देने के एवज में तो कोई समय तो निश्चित करूंगा, ये भी बताऊंगा कि क्या सामान मैं देना चाहता हूं आपके पैसे के एवज में, और ये भी बताऊंगा कि आपका पैसा मेरे हाथों में सुरक्षित है, और ये भी बताऊंगा आपको कि मैं क्या चीज कितने एरिया में देना चाहता हूं। तो अगर बायर बिल्डर से ये बात पूछता है और उसको नियम हो जाता है और ये संसद से नियम पास हो जाते हैं, उसमें फिर तरमीम की जाती है, तो निश्चित रूप से बिल्डर प्रो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपने सवाल हमसे किया है तो एक सवाल मेरा भी है राजीव जी, एक सवाल मेरा भी आपसे भी है, बीजेपी के लोग हैं उनसे भी है।
एक पॉइंट पे आप दोनों आदमी बिल्कुल ही चुप्पी साध के रखा है। एक जो मुख्य मामला है यहाँ पे, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने क्योंकि अभी जितने बायर्स हैं, जो लोग बाहर आकर के बात कर, चाहे इंद्रेश जी हो चाहे कोई भी हो, इनके साथ जितने भी लोग हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनके पुराने प्रोजेक्ट्स में पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ये जो बिल में जो प्रावधान किया गया है, ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के, यानी जो आने वाला प्रोजेक्ट होगा उसके लिए प्रावधान है। तो वैसे लोग जो कि अब तक पीड़ित हैं, उनके लिए तो कोई रास्ता आप लोगों ने निकाला नहीं और उसकी कोई बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। जवाब मैं दूं पहले? हाँ, पहले आप ही दें राजीव जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो बिल है, इसको जितना आप तरमीम करने के नाम पे डिले करेंगे, उससे उतना ही लोगों को नुकसान है, नंबर एक। नंबर दो विषय ये है कि बहुत सारे जो बिल्डर हैं, जो कि गाजियाबाद से लेकर के, मुंबई से लेकर के बड़े महानगरों में हैं, वो स्टेट का विषय भी है। स्टेट की गवर्नमेंट्स को भी देखना होगा कि वो बिल्डर्स उन बायर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार को देखना होगा, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको देखना होगा। तो निश्चित रूप से डेरेक ओब्रायन जो बात कह रहे थे, तो उनको कलकत्ता में जो बिल्डर बायर्स से बदतमीजी कर रहा है या नाजायज चीजें कराने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से डेरेक ओब्रायन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत बयानबाजी करने की, क्योंकि कलकत्ता में, बंगाल में उनकी सरकार है। इसमें देखिए, बहुत सही बात इन्होंने कही कि जो स्टेट्स में जो लोग सरकार बैठी हुई है, उनको भी इसमें पूरा पूरा अपना दखल देना चाहिए। अब जैसे नोएडा की बात मैं करूंगी अपने विधानसभा की, यहाँ जितने लोग परेशान हैं, इसमें प्रदेश सरकार भी इसमें बहुत कुछ अपना रोल प्ले कर सकती है और उनको बचा सकती है। अपनी जैसे अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी है, बिल्कुल, तो ये यहाँ के नियम सारे जो हैं वो कोई सेंट्रल नियम नहीं लागू हैं, सारे यहाँ यूपी के नियम लागू हैं। यूपी सरकार ही डायरेक्शन देती है, जो नोएडा चेयरमैन है। ये ऐसे नियम क्यों ढीले बना रहे हैं जिससे बिल्डर को, यूपी अपार्टमेंट एक्ट बिल्डर जी बिल जब बन जाएगा रेगुलेटरी बिल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अगर उसको ठीक से अगर इम्प्लीमेंट करा जाए तो नियम क्या है, नियम वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ कागजों में नियम बन के रह जाए वो नियम नहीं, नियम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि इम्प्लीमेंट करवाए। जनता अगर परेशान है, आप प्रतिनिधि हैं जी जनता की, तो ये तो आपकी नहीं, तो मैं जब भी मुझे निवेशकों ने बुलाया, जब भी जिस टाइम भी बहुत बार बुलाया, और मैं बराबर उनके साथ जाती हूँ, और मैंने इसके लिए टाइम मांगा हुआ है अपने मंत्रियों से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस बीच माथम जी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहा है। जी बताएं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जो सरकार जिस तरीके के ये संशोधन कर रही है, जिससे कि पब्लिक को ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन साइट के जरिए इन परियोजनाओं कब खत्म हो रही है, कब चालू होंगी, ये पता चल जाएगा। ये जनता के लिए और भी ज्यादा सुविधादायक हो जाएगा, ताकि पब्लिक को ये सब पता चल जाए कि ये कब खत्म होगी या कब चालू होगी, इससे उनका आधा काम, आधी परेशानियां तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं जो बिल्डर्स हैं वो भी हाईटेक हो जाएं, प्रोजेक्ट के बारे में हर एक डेवलपमेंट को जो है ऑनलाइन बता दें कि भाई कब पहला ईंटा रखा गया, कब आप लिंथ तक आए, कब आकर के आपने छत डाली और कब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो जाएं, तो जो बायर्स हैं उनको प्रोजेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार घूमने की परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही पॉइंट रखा, और मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए ताकि पारदर्शी रहे और परेशानी ना पड़े। उनको पता चल जाए कि जहाँ मैंने पैसा लगाया हम किस पोजिशन में है, तो आगे वो लगाए नहीं लगाए पैसा वापस। अभी यहाँ तो एक और प्रॉब्लम आ रही जो मेरे संज्ञान में आई, बिल्कुल, कि जब वो पैसा वापस लेना चाहते हैं तो उस पर वो अपना इंटरेस्ट काटते हैं, ये हाँ, और एक बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है। दो तीन बिल्डर से तो मैंने इंटरेस्ट लगा करके आपको बायर्स को देना चाहिए, नहीं जो उन्होंने आपके पास वो पैसा उनसे मांगते हैं इंटरेस्ट। राजीव जी कुछ राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजीव जी बताएं। नहीं, मैं अपनी बात कह लूँ, काट के पैसा देते हैं, तो ये काट के पैसा देना ये भी अपने आप में एक बिल्डर के लिए कितना बड़ा नुकसान है। बिल्डर नहीं चाहता, कोई मुसीबत हो सकती है, उसके घर में कोई बीमारी है, कुछ है, बिल्कुल, पैसा अपना वापस मांगना चाहता है। उसने इतना पैसा इतने दिन दिया, आपने उस पैसे को इस्तेमाल किया, अब वो वापस मांगना चाहता है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। मेरी अभी दो तीन बिल्डर में नाम नहीं यहाँ लेना चाहती, लेकिन मेरी इतनी झड़प हुई है, मैंने कहा आप कैसे इस चीज ऐसा कर सकते हैं, आप उसका पैसा तुरंत वापस करें। उसके घर में उसके पिता बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है, वो पैसा चाहता है, नहीं आपका फ्लैट चाहता है। आप एक तो आपने जो उसका पैसा 50 लाख 40 हजार जो रखा है उस पर इंटरेस्ट देने की बजाय आप उसे मांग रहे हैं,
तो ये तो एक बहुत गलती कर रखी बिल्डर। मेरे ख्याल से बाथम जी आप बिल्डर का नाम भी लेना चाहिए आपको यहाँ पे, ताकि जनता सचेत तो हो जाए, जो जनता फंस गई आगे से लोग ना फंसे ऐसे बिल्डरों के। इसलिए नाम देने में कोई मैं बुराई नहीं समझता हूँ। राजीव जी मैं एक बार बताऊँ, खाली एक नहीं है, मेरे जितने बिल्डर से बात हुई क्योंकि बहुत कैसे ऐसे आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत कम ही बिल्डर्स ऐसे हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक है और समय पे प्रोजेक्ट पूरा करके लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजीव जी बताएं। देखिए मेरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आग्रह है कि वो ये बात बिल्डर के अगेंस्ट ना बोल करके अपनी सरकार के अगेंस्ट बोले, केंद्र की सरकार के अगेंस्ट, तो ये मुझे अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को लगेगा कि एक विधायक जो है उनकी बात उठाने का काम कर रहा है। मैंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। नोएडा ट्रस्ट लोग बिल्डर से हैं, तो अभी सरकार तक क्या बात पहुंचाई है? आपकी सरकार तो सब सरकार तो आपकी सब चीज बदल देना चाहती है और प्रो बिल्डर बजट बिल बना देना चाहती है। तो मेरा कहना यह है कि विमला बाथम जी, कृपया आप जो है ना टेलीविजन पे बैठ करके अच्छी अच्छी बात करने की बजाय अपनी सरकार को सचेत करने का काम करें तो बेहतर होगा। दूसरा विषय जो मैंने उठाया था प्रदेश सरकारों का, उसमें आपने एकदम प्रदेश सरकारों पे आ गए। अगर केंद्र सरकार प्रो बायर बिल पेश करेगी, प्रो बायर बिल पास कराएगी, तो उसके बाद तो कानून में बदलाव करने का अधिकार स्टेट सरकार को है ही नहीं। देखिए तो मेरा कहना यह है कि मैंने जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य पे आप प्रदेश सरकार पे आ गई, लेकिन नियम बनाने का काम देश की संसद का है, देश की संसद चलाने का काम इस टाइम मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी ने जो चुनाव में चंदा लिया था या कर्जा लिया था बिल्डर से, कमजोर करके वो करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने चंदा नहीं लिया, लेकिन यूपीए सरकार ने बहुत ढेर। इस मंच पर राजनीतिक खेल मत खेलिए, जनता दुखी है, राजनीति नहीं है, उनके दुख पे आप रोटियां मत सेकिए प्लीज। सच्चा बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी रोटियां मत सेकिए आप उनके दुख पे। पार्टी की गलत बात नहीं, मैं आपसे कोई आक्षेप नहीं लगा रही, सरकार ने क्या क्या कार्य करते किए, मैंने तो नहीं एक भी आरोप लगाया। सारा खेल तो ये आपकी सरकार का रचा हुआ है, सारा खेल आपकी सरकार का रचा हुआ। मोदी सरकार अभी आई है, आपकी सरकार क्या करती रही? ये तो कई साल से चल रहा खेल है, अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने किसान विरोधी बिल बना दिया, उसको लागू कराया। सरकार एक साल में आपकी सरकार ने आप राजनीतिक योजना सेकने लगे, यहाँ पर बैठ के बताइए आप। एक समझदार व्यक्ति आप समझ रहे थे, आप राजनीतिक योजना सेक रहे हैं, आप राजनीतिक योजना सेक के आप बिल्डर आप निवेशकों की बात करिए, उनके घाव में मरहम लगाइए आप, मत ये सब मत करिए राजनीतिक बातें। आपको तो आप बताएं जिस तरीके से बिल में संशोधन किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रो बायर्स ये बिल था, इसको प्रो बिल्डर्स बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मौजूदा बिल में वर्तमान सरकार द्वारा बहुत बदलाव किए गए हैं जो कि बिल्डर को फिर से मनमानी करने के लिए पूरी छूट देंगे। बिल्कुल, पहले से ही हम लोग बिल्डर के जो अत्याचार से बिल्कुल त्रस्त हैं, हम लोग 5 साल से बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा बिल ध्यान से करिए, इसमें कितनी बातें ऐसी है जो बायर्स के फेवर में है और बिल्डर के खिलाफ है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। आप अब मैं इस बिल की लंबी चर्चा नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं, आप बिल को ध्यान से देखिए और आपके साथ ही बैठे हैं उनसे मैं बात करूंगी। अभी तरीक फेवर में भी किया गया है, कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे कि पहले था कि ये बिल सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए था, लेकिन अब इसे कमर्शियल के लिए भी कर दिया गया है, ये बिल्कुल हम लोग इसका वेलकम करते हैं। बट इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आखिर क्यों किए गए हैं बिल्डर्स, जो कि बिल्डर्स को फेवर करते हैं? अच्छा एक चीज आप ये बताइए, उसमें जो प्रोजेक्ट के लिए जमा की गई राशि में से पहले 70% को प्रोजेक्ट के अकाउंट में रखने की शर्त थी, अब उसे 50% क्यों कर दिया गया है, क्यों इसे बायर के पक्ष में कर दिया गया है? वाथम जी से सीधे प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा इससे तो बिल्डर के पक्ष में। देखिए ये भी एक देखिए पहले उसमें कार्पेट एरिया को डिफाइन किया गया था, अब उसको चेंज करके रेंटेबल एरिया कर दिया गया है, ऐसा दिख जो बायर को और भी ज्यादा भ्रम बढ़ाएगा, बिल्डर को उसका फायदा उठाएंगे।
श्वेता जी, हम लोग इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं जी। हमसे जुड़ने के लिए, वंदे मातरम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इंद्रेश जी भी यही बात अभी बता रहे थे और जो राजीव जी हमारे राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी यही बात कर रहे थे। मातरम जी बिल्कुल राजनीतिक रोटियां देख रहे हैं, छोटी सी बात करना चाहूंगा। बिल्कुल एक चीज मैं राजीव जी बात करिए, आप आपस की बात मत करिए। हम बिल्कुल राजीव जी एक चीज जानना चाहेंगे कि दो चीजों पे आप लोगों ने, दोनों पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। एक तो बायर्स और बिल्डर्स के बीच में जो समझौता होता है, उस समझौते पे आप लोगों ने कोई भी चीजें साफ नहीं की है। तो समझौता क्या होगा, दोनों क्या खुलासे करेंगे और समझौता एक दूसरे को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये बात की बात है। कोई भी चीजें आप लोगों ने क्लियर नहीं की है। दूसरी बात, जिस तरीके से लोगों की समस्या पुरानी है, कोई ऐसा नहीं कि जो भी बिल्डर्स 5 साल से बना रहे हैं, कोई कोई लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिनका 8-8 साल से प्रोजेक्ट उनका लटका पड़ा है जी। तो जो पुराने लोग हैं उसके बारे में कोई चीज नहीं कही गई है। और अगर पुरानी बात है 10-8 साल से किसी का प्रोजेक्ट लटका हुआ है, कोई एक दो आदमी नहीं, सैकड़ों हजारों लोग हैं। आपके केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखें तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका प्रोजेक्ट 8-8 साल से लटका हुआ है। तो सरकार इससे पहले क्यों नहीं थी, ये बिल तो अब आया है, अब जाकर के 12 में आप लाए थे, 15 में बीजेपी उस पर संशोधन करके ला रही है। तो राजनीति तो आप दोनों आदमी कर रहे हैं। नहीं अभी तो बिल आया भी नहीं, लेकिन बिल्कुल आप रोकने के लिए बिल्कुल अभी 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 पेश भी नहीं हुआ है उसको सिलेक्ट कमेटी के पास। आप या तो ये उसको लेकर उठ कर देख रहे हैं, जो अभी तक इनके सरकार ने काले कानून पास किए, जो काला किया है उसको तो धो नहीं रहे हैं। कि जो बाढ़ तभी तो परेशान है, बाढ़ इतने वर्षों से जो झेल रहे हैं, क्यों नहीं उसमें उस समय इन्होंने मदद की। अब राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। भाई आप बात आइए, लेकिन आप राजनीति मत करिए, आप सिर्फ निवेशकों की बात करिए। वो बहुत घायल है, उनकी आत्मा घायल है, वो बहुत परेशान है। हमें मालूम उनके घर की रोटियां छिन रही हैं, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, उनके बच्चे स्कूल जाना बंद कर रहे हैं। हम मिले हैं बाढ़ से, हम एक एक बाढ़ से मिले हैं, हमें पता है उनका दर्द। नोएडा के बाढ़ से कम हम मिल चुके हैं। विमला जी आप बायर से मिले हैं, उनके दर्द को जानते हैं, लेकिन आप बिल क्यों नहीं बदलवा रहे हैं, उनका और दर्द बढ़ने वाला है। सोल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा। सभी लोग जो हम कांग्रेस से भी मिल चुके हैं, बीजेपी वाले से भी मिल चुके हैं, हम भाजपा से भी मिल चुके हैं, सपा से भी मिल चुके हैं, हमारे को कहीं से कोई सोल्यूशन मिल रहा। सब लोग हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाता है। यूपी के अंदर में यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, जो इंडिया के अंदर में सिर्फ 2 ही स्टेट के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर में एक यहाँ पर है। अगर उसी को ही प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करा दी जाए तो हमारी प्रॉब्लम सबके सब तभी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रेश जी, राजीव जी सुन रहे हैं, इंद्रेश जी की बात कह रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं जी। राजीव जी मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में ही कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का कार्य होता है कि जब भी सरकार अन्याय करती है तो उन बातों को उठाया जाए। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जिस तरह से बातें उठाई हैं उससे बिल्डर्स को एक आघात पहुंचेगा और बायर्स को फायदा पहुंचेगा, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता एक अच्छा भाषण दे रही है कि बिल्डर्स बहुत शोषण कर रहे हैं, बायर बहुत परेशान है, लेकिन बिल वो उससे उल्टा ला रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से देखिए इनके जो मैं कह रही हूँ कि बिल पेश नहीं हुआ, इससे पहले क्या हुआ आपको बताइए। आपके सरकार ने, राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह ने क्या किया इससे पहले निवेशकों का राहत दी, वो बताइए। अभी तो बिल जवाब दे रहा हूँ, अभी तो बिल पेश नहीं हुआ, उसकी बिल की बात कर रहे हैं। बिल को आप चेंज कर रहे हैं, आप उनकी बात करिए जो पहले, जो आपकी सरकार ने पहले क्यों नहीं किया, कुछ क्यों नहीं किया, प्रावधानों को चेंज क्यों करना चाहते हैं, उसकी बात करिए। आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्यों नहीं किया सरकार ने पहले। आप दोनों को रोकना चाहेंगे इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए। मैं सुचित्रा बोल रही हूँ वाराणसी से। जो एनडीए सरकार ने बिल में संशोधन किया है रियल एस्टेट में, वो अच्छा है इस वजह से क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता आएगी इसमें और ऑनलाइन यहाँ पर सारी चीजें आपको पता चलेंगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पता चलेगा, तो ये काफी अच्छा है। बिल्कुल जनता की तरफ से जितनी भी बातें आ रही हैं, सब में ऑनलाइन करने की बात ज्यादा आ रही है, हाईटेक हो जाए ताकि लोगों को जो है प्रोजेक्ट पे जाकर के उसकी डेवलपमेंट को, मतलब बिल्डरों के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़े, ऑनलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल इस बिल में आ रहा है बिल्कुल कि उसको कंपनसेशन दिया जाएगा 10% या जो भी तय होगा अगर वो प्रोजेक्ट डिले करता है। पेनल्टी तो अभी भी है, लेकिन पेनल्टी देते कहां है, नहीं देते, लेकिन ये सख्ती से इंप्लीमेंट कराई जाएगी। बिल्कुल सर, लॉ हमारे देश में पहले भी थे, लॉ हमारे देश में अभी भी है, लेकिन लॉ को इंप्लीमेंट सबसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव है लॉ को इंप्लीमेंट कराना चाहिए। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट डिले करता है तो उसको कंपनसेशन देना ही चाहिए और देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास विनय कटियार जी से बात की हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला ने, देखते हैं विनय कटियार जी क्या बोल रहे हैं।
हमारे साथ बीजेपी के नेता विनय कटियार हैं। विनय जी, जिस तरह से रियल इस्टेट बिल को लेकर विपक्ष एकजुट है, क्या लगता है आपको बिल पास हो पाएगा? कोशिश करेंगे कि पास हो जाए। विपक्ष का काम तो है विरोध करने का, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और मुझे उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। आप लोगों पर फिर एक बार यही आरोप लग रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है और बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए रियल इस्टेट बिल में तमाम जो परिवर्तन किए गए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आरोप गलत है। इसके लिए सबको फायदा होने वाला है और वो जब बिल आएगा, लोग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे तो लगेगा सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सब उसका होगा। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बायर से मिल रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, क्या लगता है आपको बायर्स फिर उनके साथ जाएंगे और जो राजनीतिक फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा इस बिल का? नहीं, राहुल एक कहीं मामला फंसा था उनकी जब सरकार थी, तो उससे वो नाराज हैं, आजकल परेशान हैं, कारण यही है और कोई कारण नहीं है, विरोध का कारण वही है, इसलिए कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो विनय कटियार का कहना है कि बीजेपी इस बिल को पास करवाने की मंशा रखती है और इससे दोनों वर्गों का फायदा होगा। जी हाँ, विनय कटियार कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी और बीजेपी की एमएलए बिमला बाथम जी, दोनों से हम जानना चाहेंगे। पहले राजीव जी, आप बताएं, बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं लेकिन आप रास्ता निकालने की बात नहीं, आप तो रोड़ा अटका रहे, क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? एक ही रास्ता है इसका कि जब सेलेक्ट कमेटी पे वो चला गया तो वो विचार करेगी, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, जो बायर्स के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने बिल बनाया था, उस बिल को एज इट इज ही लागू किया जाए, उस बिल को एज इट इज ही राज्य सरकारों को भेजा जाए, तब जाके कांग्रेस पार्टी इस बिल को समर्थन कर सकती है। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि बिल्डर्स के हित में वो बिल ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अब बायर्स की आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है और हम लोग बस आवाज उठा रहे हैं अपनी और आवाज उठा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में राजनीतिक पार्टियों का काम है कि लोगों को जागरूक करें। मतलब राजीव जी, साफ है, आपकी बात बीजेपी नहीं मानेगी, आपकी बात बीजेपी नहीं मानेगी, बीजेपी की बात आप नहीं मानेंगे और इंद्रेश जी इसी तरह बीच में जो है अपना हल्ला हंगामा करते रहेंगे। बायर्स का कोई भला नहीं चाहता, सब अपने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। माधव जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं उनकी बिल को आप हूबहू लागू करो कि जो कह रहे हैं एज इट इज बिल पास कर दिया जाए, एज इट इज में तो पारदर्शिता है ही नहीं। फिर तो जो भी नया प्रावधान बिल में लाने की कोशिश की जा रही है कि पारदर्शी बिल हो और ऑनलाइन हो, ये पहली बार ऐसा हो रहा। अगर ऑनलाइन एक चीज है, विनय कटियार जी ने अभी कहा पारदर्शी बिल था, मुझे देखिए, मुझे मुझे अपनी बात उसमें मुझे बात करनी है। अगर मुझे आप पहले बात करने दीजिए, राजीव जी बोले तो राजीव जी एक बार बाथम जी को सुनते हैं, बिल्डर्स की आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, एक बार पहले उनकी बात पूरी हो जाए। पहले बिल्डर्स का नाम राजीव बता रही है, कृपया बिल्डर्स के नाम बताइए ना, नोएडा में कौन कौन बिल्डर शोषण कर रहे हैं, ये कह देना कि साहब बहुत सारे बिल्डर हैं। ठीक है, ठीक है, बाथम जी बता रही है, बाथम जी बता रही है आप, ठीक है। हाँ देखिए, अगर ये बिल्डर्स का अब या तो राजीव जी हो गया आपका, चलिए माधव जी आप बताएं। देखिए, अगर ये बिल पारदर्शी नहीं, पारदर्शिता के साथ नहीं आएगा और उसमें क्लॉज नहीं लगेगा कि आप सब ऑनलाइन करिए, जो भी बिल्डर अपना काम कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन करिए, तो इससे कभी भी बायर्स को पता नहीं चलेगा बिल्डर क्या कर रहा है। फिर वही बात, या तो आप बोल लीजिए, आप लोग एक ही बात पे करेंगे हम, राजीव जी आपके पास जाएंगे, हमारे पास पीएल पुनिया आप ही के नेता हैं, पीएल पुनिया से भी मेरी बात सुन लीजिए पहले। बिल्कुल, आप दोनों की बात सुनेंगे, पहले पीएल पुनिया जी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पे। रियल इस्टेट बिल पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पीएल पुनिया हैं। पुनिया साहब, आप लोग विरोध कर रहे हैं रियल इस्टेट बिल का, आखिर क्या कारण है विरोध का? देखिए, रियल इस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाने का और फिर बाकी सब चीज़ों के जो बनाया है वो यूपीए सरकार का बिल था, स्टैंडिंग कमेटी के पास से होकर आया था, उसमें संशोधन करके एक बिल बनाया, पेश हुआ, उसमें ये संशोधन 118 संशोधन लेकर आए और ऐसे 18 के 18 संशोधन वो बिल्डर के हक में है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्तों में चाहता है एक छाया हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, एक अपार्टमेंट हो जाए, सब उनके खिलाफ है। आप
बिल्डर्स की जो समस्याएं हैं और जो जो आम लोग हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, उनकी समस्याओं को कांग्रेस ने हमेशा से उठाया है, अब आप लोग क्यों चाह रहे हैं जब बिल्डर्स के ऊपर सारे जो कानून है वो लागू हो रहे हैं, तो आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि सरकार वापस ले ले और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाए जो पहले थी? देखिए, हमने संशोधनों पर बात की है, मेरिट पर बात की है, और एनडीए सरकार हमको जस्टिफिकेशन दे दें कि वो क्यों संशोधन किए हैं, बिल्डर के पक्ष में क्यों किए हैं। हमने उद्योगपतियों का कभी पक्ष नहीं किया, हमने कभी बिल्डर्स का पक्ष नहीं किया, और ये सरकार पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में है, जो कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो पीएल पुनिया का कहना है कि जो कांग्रेस का जो बिल था उसमें जो संशोधन किया गया है, उसके बाद जो फायदा है वो बिल्डर्स को मिल रहा है, उद्योगपतियों को मिल रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस बिल का विरोध कर रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस विरोध कर रही है, बीजेपी समर्थन कर रही है, बीजेपी साफ तौर पे कह रही है बायर्स के पक्ष में है, कांग्रेस कर रही है ये जो बिल्डर के पक्ष में है। चर्चा जारी है, अभी हम उदित राज से भी जानेंगे, उदित राज से भी बात हुई हमारी। एनडीए सरकार के तमाम बिलों की तरह रियल एस्टेट बिल पर भी विपक्ष एकजुट है और उसको पास नहीं होने देने की सारी कवायद कर रहा है। हमारे साथ सांसद उदित राज हैं। उदित जी, जिस तरह से रियल एस्टेट बिल का विरोध कर रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे आप? अभी रियल एस्टेट बिल आया ही नहीं, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुआ। रियल एस्टेट को अगर विपक्ष को इतनी ज़्यादा फिक्र थी तो जब उनकी सरकार थी 10 साल तक, क्यों नहीं फिर इन्वेस्टर को बताया? तमाम सारे बड़े बड़े ठेकेदार आए और पैसा इकट्ठा करके चले गए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार उसे रेगुलेट कर रही है, दुरुस्त कर रही है, तो उस पर हंगामा शुरू किए हैं। आप प्रावधान को डिस्कस करने दीजिए, तब इसके ऊपर कमेंट करना ज्यादा बेहतर होगा। का आरोप वही है जो हमेशा से बीजेपी पर लगता है कि उद्योगपतियों की सरकार है और यही कारण है कि बिल्डर्स की मदद कर रही है, और जो सारे प्रावधान लाए गए हैं उस बिल में वो बिल्डर के लिए लाए गए हैं। 5-5 साल 6-6 साल तक फ्लैट नहीं दिए जा सके, किसके समय में? ये तो कांग्रेस के समय में। लेकिन आज आप लोग भी वही कर रहे हैं। हम कौन सा कर रहे हैं इस तरह से? हम तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ सरकार में आए हुए, जो इन्वेस्टमेंट पहले हो चुका है, साल में से कोई साल 2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, पहले ही जितने थे फ्लाइट बुक वगैरह पहले हो गए थे। 4-5 साल जो बूम आई थी इस देश में, और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लोग, मध्यम वर्ग के लोग और भी समाज के और भी तबके के लोगों ने निवेश किया था, चाहे फ्लाइट में किया चाहे प्लाट में किया था, तो उस और बिल्डरों ने करवाया था, और उसी समय के टाइम में उसी समय ब्लूट हुआ ही, उसी समय तमाम सारे फर्जी बिल्डर और कंट्रैक्टर निकले भी थे। सरकार ने क्यों नहीं उनके खिलाफ में कार्रवाई की थी उस समय? तो आपको क्या लगता है, जो आप लोग बिल लेके आ रहे हैं वो बिल दोनों पक्षों का ध्यान रखने वाला है? करेगा, कंज्यूमर एज बिजनेस पर्सन। तो उदित राज जी का कहना है कि जो बिल एनडीए सरकार लेकर आ रही है वो दोनों के लिए मददगार साबित होगा और यकीनन यूपीए के बिल से कहीं बेहतर होगा। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, दर्शक बताना चाह रहे हैं अपनी बात। जी बताएं। हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं बोलना चाहती हूँ, बायर्स को समय पर पोजीशन ना मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पोजीशन के समय जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं जो हम लोगों को पहले से नहीं बताते। बायर को बेवकूफ बनाया जाता है और हम जैसे लोगों के साथ में अवैध वसूली की जाती है। बिल्कुल बाथम जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके जो जनता का साफ तौर पे कहना है, जैसा कि इंद्रेश जी भी कह रहे थे कि टाइम पे पोजीशन नहीं मिलता, ये एक आम समस्या है। आपसे भी लोग जो मिलते हैं नोएडा एक्सटेंशन के या नोएडा के, उनकी भी आम समस्या यही रहती है। बिल में साफ तौर पे इस पे कुछ कहा गया है कि यदि पेनल्टी की बात करी गई है इसमें, लेकिन पेनल्टी इंप्लीमेंट कैसे हो? पेनल्टी की बात तो शुरू से है। नहीं, पेनल्टी की इंप्लीमेंट अगर कानून बन गया है तो पेनल्टी तो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी बिल्डर को। अगर नहीं देंगे तो हमारे बायर्स कोर्ट में भी जाके पेनल्टी ले सकते हैं। देखिए 5 रुपए के हिसाब से पेनल्टी मिलेगी, उसमें भी एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आपके सारी पेमेंट टाइमली है, अगर आपकी एक दिन भी पेमेंट डिले होगी तो वो आपको पेनल्टी नहीं देगा। नहीं, वो देखिए, वो चाहे वो डिले किसी भी वजह से हो, ये डिले बताते नहीं आएगा, चर्चा होगी। बिल्कुल, चर्चा होगी, बनेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि सबसे बड़ा जो इस बिल में जो अच्छी बात है, सबसे अच्छी, कि ये ऑनलाइन बिल हो, ताकि देखिए उसमें धोखाधड़ी गुंजाइश ही नहीं रहेगी।
क्योंकि सब कुछ बताना पड़ेगा उनको कि हमारी कितनी छत पड़ गई, नहीं बिल प्लास्टर बिल, हो गया, बिल के हाँ बिल्कुल ये कहें जो बिल्डर्स जो अपना काम उनका प्रोजेक्ट ऑनलाइन हो, बिल ऑनलाइन हो नहीं हो उससे नहीं, मतलब नहीं, जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही, प्रोजेक्ट की बात हो रही, प्रोजेक्ट उनको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अच्छा उसमें बिल्डर को बल्कि वो गाली देंगे, नुकसान उनका हो क्योंकि उनको अपनी सारी पोल पट्टी उनकी सब आ जाएगी। बिल्कुल, एक तरह देखा जाए तो ये बिल्डर का नुकसान है और बायर्स का फायदा है, ये आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन मैं इस बात कहूंगी ये बायर प्रो बायर है, प्रो बिल्डर नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, हम आखिरी कमेंट जानना चाहेंगे। राजीव जी बताएं आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की बहुत कमी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिससे एक्ट कर रही है उससे लगता है चोरी ऊपर से सुईया चोरी, जिस तरह से बिल में तरमीम की जा रही है ऑनलाइन। तो देखिए ऐसा जब भी कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है पेमेंट की डिमांड करता है, कहता है कि ये लिंटर डल रहा है मेरा, फर्स्ट फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, ये थर्ड फ्लोर का, ये फोर्थ फ्लोर का, इस तरह से वो पेमेंट ले लेता है और पजेशन देने का टाइम नियत होता है। जो हमने बिल लाए थे हमने कहा टाइम, जो बिल्डर का जो कार्पेट एरिया है और सुपर एरिया उसमें डिफ्रेंशिएशन करने का काम किया, और हमने कहा कि रेगुलेटरी कमीशन के लोग बाग बिल्डर के नौकरी नहीं करेंगे। अगर रेगुलेटरी कमीशन के लोग बाग बिल्डर के नौकरी करेंगे तो ये तो वही बात हो जाएगी कि मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है, तो निश्चित रूप से जब इससे दिक्कत होगी। बिल्कुल, नौकरी के लिए भी टाइम है ना, कितने टाइम के बाद, दो साल का समय है, दो साल के बाद करेंगे, उस समय नहीं कर सकते। दो साल प्रोजेक्ट कोई एक दिन में पूरा नहीं होता जी, बहुत जरूरी है रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे जब तक काम में तब तक वो फेवर करेंगे रिटायरमेंट के बाद, ताकि उनको नौकरी मिल जाए वहाँ पे, यही तो प्रश्न है और इसी की आपत्ति है। वहाँ पर और लोग भी आते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि खाली एक आदमी। देखिए ये चीज पहले भी दूसरे जजों पे भी लगता रहा, ये मांग पहले से भी उत्तर आया कि जज को भी जो है नहीं आना चाहिए, फिर बाद में किसी कमीशन का आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो फेवर करे। वैसे भी आपके कमेंट लेंगे, तो मेरे को अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे को जो मेजर प्रॉब्लम था, एक तो डिले है बजट का, डिले में हमारे को भी 24% अगर बिल्डर हमसे इंटरेस्ट ले रहा था हमें भी 24% मिलना चाहिए, एक तो ये इसमें। दूसरा इसमें है कि जो प्रोजेक्ट बिल्डर डिले कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट करा जाए, उसको आगे से प्रोजेक्ट बनाने के लिए परमिशन ना दी जाए, हमारी ये बिल्कुल ये डिमांड है। इसके साथ में मेरी एक और डिमांड भी है कि जो एक हमने अमाउंट तय कर लिया कि 20 लाख का फ्लैट मिलेगा, वो फ्लैट 20 लाख के ही होने चाहिए। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि 20 लाख का फ्लैट हम बुक कराते हैं, पोजीशन के टाइम पे एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है और 10 लाख 5 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा मिनिमम अल्ट्रेशन के नाम पे 20 लाख के 25 लाख भी कर सकता है बिल्डर। हाँ जी, ये वाली चीज हटा देनी चाहिए कि बिल्कुल एक बार अच्छी बात कह रहे हैं इंद्रेश जी। बिमला जी आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। मैं इनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि अगर वो पेनाल्टी जितने परसेंट लगा रहे हैं आपकी ये कहने से काम नहीं चलेगा, अगर ये आप सहमत हैं तो बिल में बात करवाइए। अब तो खैर अब तो आपकी बात मान के चला गया बिल है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या है तो आप लोग भी बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी। हम जाते जाते एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात जान लेते हैं। बिल्कुल जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो मैं अलीगढ़ से वीना बोल रही हूँ। सरकार इस बिल में जो संशोधन करके लाना चाहती है वो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है, और रियल इस्टेट के डेवलपर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और समय पर काम पूरा नहीं करते। काम समय पर पूरा करने के लिए इस बिल को लाना जरूरी है। बिल्कुल, सारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं सबकी एक ही समस्या है, समय पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, समय पे उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा, जो वादे बिल्डर कर रहे हैं वो बिल्डर वो वादे पूरे नहीं कर रहे। आज हमारे पास समय की कमी में अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप लोगों को छोड़े जाते हैं हम पब्लिक मंच के साथ। राहुल गांधी किसान से पूछते हैं आपके पास कितनी जमीन है। किसान बोलता है हुजूर 15 बीघा। राहुल गांधी वो कितनी होती है। किसान बहुत सोचने के बाद कहता है आपके जीजा जी की जमीन के छोटे कोने जितनी हुजूर। राहुल गांधी ओह तो आप क्या उगाते हैं। किसान हुजूर कपास उगाता हूँ। राहुल गांधी वो क्या होता है। किसान हुजूर जिससे आपका कुर्ता बनता है। राहुल गांधी तो आप कुर्ते की खेती करते हैं और क्या है आपके पास। किसान हुजूर 2 बैल हैं। राहुल गांधी गुड, कितना दूध देते हैं बैल। किसान आत्महत्या करवा कर ही मानेगा क्या। राहुल गांधी
आज राहुल गांधी किसानों से 4 घंटे मिले। 3 घंटे तो किसान उन्हें ये समझाते रहे कि गेहूं का कोई पेड़ नहीं होता। सोनिया बेहोश होते होते बची। जब राहुल ने पूछा, मॉम ये किसान खेती क्यों करते हैं? अनाज दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते? राहुल गांधी को 2 घंटे सुनने के बाद सभी किसानों ने 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया गांधी को देते हुए बोले कि मैडम मुआवजा तो आपको भी मिलना चाहिए क्योंकि फसल तो आपकी भी खराब हुई ही है।